सब बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पत्रकारों का। हमारी एक और सबसे सिंपल नियत ये थी कि मुंब्रा बहुत बड़ा शहर है, तो खिदमत-ए-खल्क ट्रस्ट हो या यशवी कैन हो, ये हमारे अकेले का काम नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर इसको काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कई सौ करोड़ों रुपए का है। ठाणे महानगर पालिका की समाज विकास और महिला व बाल कल्याण विकास का ये जो स्कीम्स आती है, कई करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं। तो हमारा जहन था कि हम जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन्हें पता होता है कि बेवा कौन है, इन्हें पता होता है कि माजूर कौन है, जितने भी वकील हैं, जितने भी स्कूलों के मालिक हैं, उन्हें पता होता है कि किन का बच्चा है जिनकी माँ बेवा है। तो हमारा जो एक और एक खालिस मकसद ये था कि हम जो शहर के मकतबे फिक्र के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिम्मेदार जो है, मोहतबर लोग हैं, उनको बुलाए, इसके साथ में प्रेस महकमे को भी बुलाए, ताकि इसे अलग अलग शोबे में अलग अलग लोग अलग अलग तंजीमें अपने अपने लेवल पर काम करें। लेकिन क्योंकि ये मैसेज हमने सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाया, तो आज हमारी कई सारी बहनें भी आई थी, ज़रूरतमंद बहनें भी आई थी, उन्होंने बैठ कर इत्मीनान से ये प्रोग्राम सुना, समझा, उन्हें ये समझ में आया कि उन्हें कौन सा पर्चा भरना है, कौन सा फॉर्म लेना है और वो कौन से स्कीम में आ रहे हैं। बेवाओं के लिए और औरतों के लिए तकरीबन 7 स्कीम है, किन्नरों के लिए 1 स्कीम है और अपंग जितने भी है, दिव्यांग व्यक्ति है, उन लोगों के लिए 10 स्कीम है। कुल मिलाकर 18 स्कीम्स फिलहाल महानगर पालिका ने डॉक्यूमेंट से, तो हमेशा हमारा माशरा कमज़ोरी रहा है, कागजी सतह पर जब भी देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी के पॉकेट्स है, भले वो मुंब्रा हो या राबुड़ी का इलाका हो या इसके अलावा भिवंडी का इलाका हो या कोई भी माइनॉरिटी पॉकेट ले लीजिए हिंदुस्तान में, कागजात को लेकर हमें हमेशा से कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर भी स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए कई सारे दुश्वारियों का सामना हासिल करना पड़ेगा, होगा ही हमारा। इसी का एक मकसद था कि हम तमाम तंजीमों को बुलाएं, हमने SCO को भी बुलाया था, काफ़ी स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, ताकि वो लोग भी अपना रोल अदा करें। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना उनका काम नहीं होता, इनकम सर्टिफिकेट भी वो जनरेट कर सकते हैं लोकल लेवल की स्कीम्स को। तो ऐसे अलग अलग लोग जो इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, अहम काम कर सकते हैं, उनको हमने बुलाया था, काफ़ी सारे लोग आए। एक बार फिर से इंशाल्लाह देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से रखेंगे। चांदनगर में आमिनाबाद इलाके में खिदमत-ए-खल्क ट्रस्ट का एक बहुत बेहतरीन ऑफिस है, नासिर अंसारी भाई और उनके साथ में तमाम लोग एक बहुत बेहतरीन टीम लेकर काम कर रहे हैं। 2-3 प्रोग्राम हमने इनके साथ में किया है, बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि खिदमत-ए-खल्क ट्रस्ट आमिनाबाद और चांदनगर की जो कौसा का ये वाला खित्ता है, यहाँ पर ये लोग बेलोस होकर काम करेंगे। रही बात अलग अलग जगह पर, तो टीम यशवी कैन की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा कि हम लोग अलग अलग जगह पर डोर टू डोर जाए, लेकिन हाँ, जितना सपोर्ट चाहिए डॉक्यूमेंटेशनल और इन्फॉर्मेशन, हमारे पास सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो है कि हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इस कौन सी स्कीम का क्या नंबर है और किस स्कीम में क्या लगने वाला है और कितनों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। जैसे मैंने बताया था कि बेवा एक है, लेकिन अगर वो 60 साल से ऊपर है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है किसी और स्कीम में, बजाय 50,000 के वो 18,000 वाली स्कीम में भी कोशिश कर सकती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमने आज के प्रोग्राम में दिए। तो हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्कर, अब लॉकडाउन में हमने देखा कि काफ़ी सारे पढ़े लिखे जो लड़के थे, इन्होंने अपने अपने लेवल पर खाना बनाया और खिलाया, और उम्मीद फाउंडेशन के परवेज फरीद भाई ने काफ़ी उनका हौसला अफजाई की, उनका एक पूरा के पूरा डेटा बना हुआ, उनका एक पूरा के पूरा ग्रुप बना हुआ है। अगर ऐसे ही बच्चे सनीचर संडे को अपने काम से छुट्टी रखकर, अगर उन्होंने अपने बिल्डिंग में, अपने इलाकों में, अपने मस्जिद और मदरसे के बाहर अगर इसको कामों को अंजाम दिया, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। एक्चुअली ये स्कीम सिर्फ मुंब्रा के आवाम के लिए नहीं है, थाने महानगर पालिका में जितने 9 प्रभाग समिति होती है उसमें जितने उनके जुडिक्शन में जो लोग हैं उन सबके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बात यह है कि उसको समझना पड़ेगा, एक स्कीम में 5 लोगों को मिलने वाला है, एक स्कीम में 600 लोगों को मिलने वाला है, तो फॉर्म हम 5 लोगों का लें या 600 वाले में, कैटेगरी जो है उसी को समझाने के लिए, लोग बस परेशान हो रहे हैं और किसी को कुछ मिलना नहीं है। इसी के लिए इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रखने का ही मकसद ये था कि हर कोई अपने अपने इलाके में जाए, जैसे उत्तर भारतीय महासंघ से करीम भाई है, खिदमत-ए-खल्क से उम्मीद फाउंडेशन है, विकलांग लोगों के लिए कितना अच्छा काम करते हैं परवेज फरीद साहब, सबको पता ही है। तो अपने अपने इलाके में जाके हम उसको यूटिलाइज करें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिले और पास ऑन करें। आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हम आज परेशान है, आज बेदारी हो जाए हम लोगों में तो फिर परेशानी खत्म हो जाए। तो खास मकसद यही, इसी के लिए तो ये अवेयरनेस की है कि भाई उनको समझाओ, अगर आपके पास माजी एक 10 रुपया लेकर फॉर्म जमा करना और एक ही फॉर्म 5 लोगों को मिलने वाला, अगर 5,000 फॉर्म बिक जाएगा तो नुकसान तो देने हमारा नुकसान हो गया ना, वो TMC में ज़्यादा फंड जमा हो जाएगा वो जो दे रही है उससे ज़्यादा। यही सारी चीज़ें, धूप में कोई परेशान है उसका डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, क्यों परेशान हो, ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करने के लिए आप लोगों को भी बुलाया गया और सारे जो लोग खैर ख्वाह करते हैं उनको कि भाई प्लीज़ अपने अपने इलाकों में समझाओ कि मिस यूज़ नहीं हो, हमारे लोग ऑलरेडी परेशान है, 10 रुपया भी कीमती है आज हमारी कम्युनिटी का,
कोविड से हर कोई परेशान है, उसी को समझाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम पास करती है, बहुत सारी ऐसी स्कीम होती है जिसमें आवाम को फ़ायदा होता है। गरीबों खासतौर से मुसलमानों को इस स्कीम की खबर नहीं होती जी, इसका जिम्मेदार है। दो बात समझने की है, इसके खुद जिम्मेदार हम हैं, हमारा एजुकेशन लेवल डाउन है, दूसरी बात हमारा लोकल लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज पर कोई पकड़ नहीं है, मराठी कंपलसरी है जो हमारी स्टेट की लैंग्वेज है, हम क्यों दूर भागते हैं उससे। हम पढ़ें, जो पढ़ा लिखा तबका है वो अपनी जिम्मेदारी निभाता नहीं है, उसको आगे आके बताना चाहिए। कोई अगर अनपढ़ है तो उसकी जिम्मेदारी है मुझे इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करने की। आज हमने ये जो वहाँ पे लड़के जो सारे प्रस्ताव लाए, हमको मालूम है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी हुई, लेकिन कल अल्लाह को हमको भी जवाब देना है ना कि हम तक ये इन्फॉर्मेशन आई है, पढ़ने का मकसद क्या है। इल्म से मकसद यही है ना कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी। ऐसा और जो पढ़ा लिखा तबका है, एलीट तबका है, इंटेलेक्चुअल लोग है, वो आगे आए हैं, लोगों को पता है इन्फॉर्मेशन लें। और हमारा तो इन्फॉर्मेशन का काम, जैसे आपको पता है, ये गवर्नमेंट के जितने अपडेट्स आते हैं हसन भाई पर्सनल लेवल पे कर ही रहे, टीम यशवी कैन क्वेश्चन यही करती है कि हमारी कम्युनिटी कैसे बेदार हो जाए और वो खुद अपना हक लड़के मांग के लेने वाले बन जाए। जैसे पारसी कम्युनिटी है, हम हक जानेंगे तब हक मांगने सीखेंगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा प्रॉब्लम ये एजुकेशन नहीं, दूसरा जो एजुकेटेड तबका है वो अपने आप को लो तबका जो कम एजुकेटेड है उनसे अलग रखता है, अपने आप को स्पेशल समझता है। जब तक हम नीचे उतर कर उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, अपलिफ्टमेंट सोसाइटी का कभी नहीं होगा। हमको नीचे उतरना पड़ेगा और उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये माशाल्लाह हम लोग लगभग 2005 से हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है, ये जो कि रजिस्टर्ड है। और आपको तो पता है जो भी एरिया में मुश्किल आती है दरपेश, उसके लिए हमेशा हम और ये इकबाल भाई नायक की साई एकता मिलके हम लोग हमेशा काम करते हैं। क्योंकि माशाल्लाह ये तो इन्फॉर्मेशन सेक्शन था, इन्फॉर्म सबको मिल गया है, अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। अब हम लोग इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि हम रात का एक टाइम फिक्स करेंगे, हम लोग एक या दो घंटा हमारे ऑफिस में लोग बैठेंगे, फॉर्म भरा जाएगा इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे। अभी दीवा प्रभाग समिति काफ़ी दूर है, विवाहों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि वहाँ जाके सबमिशन करें, तो हमारी कोशिश होगी कि एक साथ फॉर्म पहले तो फॉर्म भरा जाए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि उसमें फिट होती है कि नहीं कौन सी स्कीम में, उनके पास डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करेंगे, और सारा होने के बाद सबमिशन की भी कोशिश हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। देखिए बेसिकली चूँकि पिछले माशाल्लाह मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ, अभी भी हमने फॉर्म बाकायदा लिस्टिंग लेकर के मंगवाया है, और एक तरफ काफ़ी कुछ गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने लिस्ट दिया, फॉर्म भी बाकायदा हमारे हाथ में दिए जाते हैं। सबसे बड़ा इशूज़ यही आता है कि उन्हें सिर्फ ये समझाया जाता है कि फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म ले लीजिए। फॉर्म तो ले लेते हैं लेकिन ये भी पता नहीं है कि कौन सा फॉर्म हमें कौन सी स्कीम में जाना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे जहाँ पर कहीं 5 लोगों को इफेक्ट है, कहीं 3,500 लोगों को मिल रहा है, तो कहीं से 50 लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि डॉक्यूमेंट 100% हमारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। जब हम लोग खुद स्क्रूटनी करते हैं, यानी हमारी टीम बाकायदा बैठती है उम्मीद में, जो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक इंडिविजुअल बच्चों का, बेवाओं का फॉर्म भरा कर देते हैं, बाकायदा वहाँ पे टीम बैठती है, कंटिन्यूसली लोग आते हैं हमारे पास में, तो पता यही चलता है कि सर मेरे पास डाइवर्सी पेपर नहीं है, तो मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं है। डैट मीन्स वो बेचारी ज़रूरतमंद है 100%, जो हमारे पास डेटा है। उम्मीद के पास 1200 बेवाओं का डेटा है, 750 मज़दूरों का डेटा है, डायलिसिस के पेशेंट मेरे पास 150 है, ऐसे तकरीबन पूरे डेटा उम्मीद के पास अवेलेबल है। और इंडिविजुअल हम लोग कॉल करके बुलाते हैं बेनिफिशियरी को, हम जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही आता है कि सर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से ये सबसे बड़ा मैसेज यही है सर कि आपको कोई भी स्कीम का फ़ायदा उठाना है, चाहे माजूरीन हो, बेवा हो, स्टूडेंट हो, उन्हें 2 सर्टिफिकेट कंपलसरी गवर्नमेंट हमेशा कहती है, एक डोमिसाइल और एक इनकम सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो 100% आपको स्कीम लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको लेना ही है वो। और एक दूसरा मेथड यही है कि वो बेवाएं जिनके पास राशन कार्ड तो था, वाइट राशन कार्ड था, लेकिन हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन उन्होंने आज तक कोताही किया कि ना शौहर का नाम डिडक्ट किया, ना ही उसको ऑरेंज राशन कार्ड में कन्वर्ट किया। उस ऑरेंज राशन कार्ड को भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, जैसे येलो राशन कार्ड को भी बीपीएल में उसको 18,000 के नीचे सिटीज़ में किया जाता है। सर मैं आपको बता दूं, आपके चैनल से ये शायद ही लोगों को नहीं बताए कि हर वो दवाखाना जो बड़े लेवल का है, जिसको मैं वोकार्ड हॉस्पिटल बोल सकता हूँ, प्रिंस अली खां कह सकता हूँ, एक गरीब आदमी सोचता है मैं प्राइवेट हमें हरगिज़ नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं चैरिटी बैड्स अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी वेबसाइट मंजर आम पर आ रही है नेक्स्ट मंथ तक के, जिसमें जितने बैड्स है, जैसे अगर 100 बेड्स का हॉस्पिटल है तो 10 बेड 100% फ्री है, 1 रुपया भी उन्हें इलाज का नहीं देना है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, 100% फ्री होता है। लेकिन शर्त यही है
कि उसके पास 75,000 बिलो का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आज इस माध्यम से मैं एक ही मैसेज दूंगा तमाम बेवाएं माजरूइन को, मेरे भाई बहन भाई तमाम लोगों को, कि आपको स्कीम का फ़ायदा उठाना है कि नहीं उठाना है ये अलग मैटर है, लेकिन हर साल हमेशा आप इनकम सर्टिफिकेट बनाकर ज़रूर रखिए और इंशाल्लाह इसके लिए हम रहनुमाई आपकी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।